हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम जगन्नाथ दासंकर कविता सापमोचन एही कविताटी संपर्क रे आलोचना करिबा। पूर्वरु आम साहाड़ा वृक्ष संपर्क रे आलोचना करूथिले। जो माने सेही कविताटी आलोचना देखिनांती देखि दियंतु। आज आम सापमोचन कविता आलोचना करिबा, एही परि भाबरे भिन्न विषय मध्य आलोचना करिबा। कविताटी आलोचना करिबा पूर्वरु आम आलोचना करिबा जगन्नाथ दासंक विषय। पुरी सहरर अनति दूररे कपिलेश्वरपुर शासनरे अति बड़ी जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करिथिले। तांको पितांको नाम भगवान दास, मातांको नाम पद्मावती। तांकर जन्म काल बा जन्म समय आनुमानिक 1497 ख्रीष्टाब्द दर्शा जाइछि। यार कारण हेउछि जे सठिक तथ्य नाही तांकर जन्म समय को नै, सेथि पई ए समय पाखा पाखिरे सेथि पई आनुमानिक शब्दटी दर्शा जाइछि। माने 1497 1400 से आखो पाखो समय को धरा जाइछि। आमे कहिले जगन्नाथ दास कौन कहिले पूर्वरु ना अति बड़ी जगन्नाथ दास, ए जो अति बड़ी उपाधिटी तांकु श्री चैतन्य प्रदान करिथिले। जेतेबेले जगन्नाथ दास श्री मंदिर रे बट गणेशंक निकट रे तांकर निज अनुदित ओडिया भागवत को सेमाने भागवत को भक्त मानकु सुनाउथिले, से समय रे जेतेबेले श्री चैतन्य श्री मंदिर रे जगन्नाथ दास को भेटिथिले, तांकर जो अगाध पांडित्य रहिछि तांकर भक्ति रे मध्य से मुग्ध होई जगन्नाथ दास को श्री चैतन्य अति बड़ी उपाधिटी प्रदान करिथिले। सेथिपई जीव आपण मानको पचारंती जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि के प्रदान करिथिले ना श्री चैतन्य प्रदान करिथिले। जगन्नाथ दासंकर सृष्टि संभार कौन रहिछि? तांकर सृष्टि संपद मध्य रे भागवत हेउछि सबुठारु महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण रचना। भागवतर प्रणेता हेउछन्ति जगन्नाथ दास, जहाँ कि घरे घरे परिचित। ओडिया भागवत हेउछि ओडिया जाति को सर्वश्रेष्ठ दान, कहार ना जगन्नाथ दासंकर। जेतेबेले आमे ऊनविंश शतक कथा देखिबा ताहाले से समय रे आधुनिक शिक्षार प्रचलन नथिला। केवल जो व्यक्ति भागवत को पढ़ी जानी पारुथिले ताकू ही ओडिशा रे शिक्षित बोली धरा जाउथिला। एवं एपरि मध्य रीति रहिथिला जे कन्या पिता जेतेबेले बर को देखिबा पई जाउथिले विवाह समय रे, बर को परीक्षा करिबा पई ताकू भागवत को पढ़िबा पई कहुथिले। पिता मातांकर मृत्यु समय रे मध्य पुत्र को भागवत पाठ करिबा एहा मध्य एक कर्तव्य बोली धरा जाए। भागवतर जो ललित पदावली रहिछि से कोमल पदावली उत्कलीय जनता को कौन करथाय ना मंत्रमुग्ध करी रखिथाय। एते सरल भाषा रे एते मधुर भावरे शब्द विन्यास करिछन्ते जगन्नाथ दास। सेथिपाई तो कहा जाइछि भागवत हेउछि ओडिया जाति को सर्वश्रेष्ठ दान, श्रीमद् भागवत एहा त्रयोदश स्कंध विशिष्ट। एकादश स्कंध पर्यंत जगन्नाथ दास रचना करिछन्ति। द्वादश स्कंध महादेव दास रचना करिछन्ति एवं त्रयोदश स्कंध परवर्ती समय रे द्वारिका दास रचना करिछन्ति। किंतु तीन जन रचना करिछन्ति द्वादश और त्रयोदश स्कंध को महादेव दास और द्वारिका दास, किंतु एकादश स्कंध पर्यंत जगन्नाथ दास रचना करिछन्ति। परवर्ती समय रे कवि माने से पद गुड़िक स्कंध गुड़िक जोग करिछन्ति। ओडिया भागवत कहिले श्रीमद् भागवत कहिले आमे केवल जगन्नाथ दास नाम को ही जानिछु। मूल भागवत को आमे जो देखिबा संस्कृत को देखिबा ताहले सेथिरे दशम स्कंधरे रहिछि 90 अध्याय। दशम स्कंधरे रहिछि 90 अध्याय। किंतु आमे जदि
ओडिया श्रीमद् भागवत को देखा ताहले सेठार रही 96 टी अध्याय। भागवत को जगन्नाथ दास संस्कृत रु ओडिया को अनुवाद करना कहीं मौलिकता काविक माधुर्य जहाँ रही कवि सेठारे व्यक्त करिछन्ति। जदि अबिकल नकल करिथान्ते ताहले दशम स्कंधरे 90 टी अध्याय रहितिबा बेले ओडिया ग्रंथरे मध्य जगन्नाथ दास 90 टी अध्याय रखिथान्ते, किंतु एठारे केते रहिछि 96 टी अध्याय रहिछि। सेथिपई एहा होउछि कोन ना भागवत होउछि अनुवाद नुहे, एहा होउछि एक अनुसृजन। ओडिसार पुरपल्लीरे भागवत टुंगी माने मध्य गढ़ी उठिछि। ओडिया साहित्य धर्मर संदेश स्वरूप भागवत टुंगी को ग्रहण करा जाए। जगन्नाथों साधना पीठ बड़ ओडिया मठ एवं मध्य अति बड़ी संप्रदायर साधना भूमि भाव रही। ये हूँ जगन्नाथ दास संपर्क कवि परिचय संपर्क। वर्तमान आम आम आलोच्य कविता को जो देखा सापमोचन, यही सापमोचन कविता जगन्नाथ दासंकर भागवत रु आनीत। जगन्नाथ दास केवल भागवत रचना करी, संस्कृत मध्य रचना करी, ओडिया रचनावली मध्य रही। संस्कृत रचनावली मध्य श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलता, उपासना शतकम, नीलाद्री शतकम, श्रीराधा रसमंजरी, संस्कृत रचनावली मध्य जगन्नाथ दासंकर रही। ओडिया रचनावली आमे कहिले श्रीमद् भागवत, तुलाभिणा, दारु ब्रह्म गीता, अर्थकोइली, मृगुणी स्तुति, गजस्तुति, मनशिक्षा, शैवागम भागवत, भागवत ब्रह्म गीता, दुतिबोध, श्रीनामचंद्रिका, भाषा परिणय, कली मालिका, इंद्र मालिका, गुप्त गीता, रुक्मिणी मालिका, ए समस्त मध्य जगन्नाथ दासंकर रचनावली। भागवत हेउछि जगन्नाथ दासंकर सबुठारु श्रेष्ठ कृति। भागवत रचयिता भावरे ही जगन्नाथ दास ओडिसार घरे घरे परिचित। समस्ते आमे भागवत देखिथिबा पढ़िथिबा मध्य ए भागवतर दशम स्कंध 69 अध्याय नृग राजा मोक्षण प्रसंगरु आमर ए जो कविताटी ग्रहण करा जायछे। कौन रही कवित ना नृगराजा मोक्ष प्राप्ति, किपर भाव नृगराजा मोक्ष प्राप्ति करमर आलोच्य सापमोचन कविता जगन्नाथ दास अति स्पष्ट भाव अति सुंदर भाव शब्दावली मधुर शब्दावली संयोजित कर। भागवत त्रयोदश स्कंध एक आलोचना कले यह गुज्जरी बा नवाक्षरी वृत्तरे रचित, जहाँ को भागवत बाणी बा भागवत वृत्त बोली कह जाए थाए कहा कुना गुज्जरी बा नवाक्षरी वृत्त छंद। आमे जानिछे सारला दास होउछंती कौन कथित भाषा को साहित्यिक भाषार रूप प्रदान करथिले, सेथिपई आदि कवि सारला दास कह जाए। कहीं सारला दास कौन कले ना कथित भाषा को से समय जेहेतु लिखित भाषा नथिला से कथित भाषा को लिखि साहित्यिक भाषार रूप प्रदान कले, किंतु जगन्नाथ दास से जो साहित्यिक भाषा को से रुचिमंत कराई किपर भाव तश्चम तद्भव देशज शब्द गुड़िकर अद्भुत संगम देखा मिलता है ओडिया भागवत। ये जो ओडिया भागवत रे आमे देखिबा तश्चम शब्द रही, तद्भव शब्द रही, ता सहित देशज शब्द गुड़िक मध्य अद्भुत पूर्व भाव रे एठारे सारला सॉरी जगन्नाथ दास भागवत रे लिखिछन्ते, जहाँ कि आमे वर्णना करिबा आलोचना करिबा। कविताटीर नामकरण करा जायछि जे सापमोचन। आमे जानिछे समस्त सापर अर्थ कौन, साप कहिले सर्प, किंतु आमे साप किपर लिखुचे दंत्य सह प, सापर अर्थ होउची सर्प, किंतु एठारे तालव्य सह लिखा जाइछि। सापर अर्थ कहिले एठारे अभिशाप को बुझा जाए।
ए सापर अर्थ हे सर्प, ए सापर अर्थ हे कौन ना अभिशाप। साप मोचन, मोचनर अर्थ हे मुक्ति बा मोक्ष। एठारे कहार मुक्ति कथा कुहा जाइछि, मृगराजांकर मुक्ति कथा, अभिशापरु मुक्ति कथा कुहा जाइछि। मृगराजा किपरि भावरे अभिशप्त होइथिले एवं परवर्ती समय रे किपरि से अभिशापरु मुक्ति लाभ करिछन्ते ताहा मध्य आलोच्य कविता रे वर्णित। कविताटीर आरंभ एहिपरि भावरे होइछि जे सुण राजन सावधाने द्वारका पुरे एक दिने। सुण राजन, हे राजा शुण, क्यों राजा ये कथा कही ना शुक परीक्षित राजा कही क्यों कथा ना द्वारकापुर गोटे कथा से दिन घटना कौन घटी द्वारकापुर से कथाटू शुक परीक्षित राजा कही से कहुई शुण राजन परीक्षित राजा उद्देश्य कहुई शुणापी सवधान सहकारे शुण द्वारकापुर कथा। कृष्ण कुमार छंती जेते कहिबा एके एके केते प्रद्युम्न सांब आदि मिली बने करंती नाना केली। कृष्णंकर कुमार, कुमार कहिले पुत्र, कृष्णंकर पुत्र माने जेते अछंती आमे गोटिए गोटिए करिके केते कहिबा। प्रद्युम्न सांब, प्रद्युम्न होछंती कृष्णंकर पुत्र, सांब मध्य होछंती कृष्णंकर पुत्र। एहिपरि भावरे प्रद्युम्न सांब आउ समस्ते मिलीमिशिकी समस्ते बण मध्यरे बने करंती नाना केली। बण मध्यरे सेमाने कौन करथिले केली करूथिले, केलीर अर्थ होउछि क्रीडा, सेमाने खेलुथिले क्रीडा करूथिले बा खेलुथिले। अनेक बेळ क्रीडा करी तृषिते लोडुछंती बारी एमन्ते जलपान सधे कूप देखिले बन मध्ये। अनेक समय हेलाणी जेतेबेले बन मध्ये खेळुचंते समस्ते कृष्णंकर पुत्र माने बहु समय खेळिला परे सेतेबेले जेतेबेले सेमानंकु सोसो लागिछि। तृषिते, तृषिते कहिले सोसरे, बारीर अर्थ हेउछि जल। जेतेबेले सोसो लागिछि सेमाने जलर अनुसंधान करिछन्ते, खोजिछन्ते जल कोठी अछि। जलपानर इच्छारे, जलपान सधे कहिले इच्छारे जल पीबा पाई कि इच्छा करिकी सेमाने गोटे कूप देखिछन्ते। तो कूप पाखकु समस्त जाइछन्ते, कूप देखिले बन मध्ये। बन मध्ये जेतेबेले बहु समय खेळिला परे तृषार्त हो जाइछन्ते, सोसिला हो जाइछन्ते, से सोसरे सेमाने जलपान करिबा पाई इच्छा प्रकाश करिकी बन मध्ये खोजा खोजी करिछन्ते। सेहि मध्ये से गोटे कूप देखिछन्ते, कूप देखिछन्ते। सकळे कूपे पासे मिली चाहंती नयन निरोली, तृण गहल अंधकारे अद्भुत जंतु ता भितरे। सकळे कूपे पासे मिली, सकळे कहिले समस्ते कूप पाखकु जाइकि समस्ते मिसिकि कूप भितरु कनेले। नयन निरोली, निरोली कहिले आखि पुराई बा स्थिर भावरे। जेतेबेले समस्ते स्थिर भावरे कूप भितरकु देखुचंती से कूप भितररे कोन होईचि अंधकार देखा जाउचि। कहीं अंधकार देखा दौचे ना तृण गहल, तृण कहले घास बा नड़ा, से घास नड़ार गहल, गहल अर्थ हूँ गोलमाल। से घास नड़ा एपर भाव रही से कूप मध्यटा कौन देखा ना अंधकार देखा दौचे। से अंधकार मध्य को जितेबले से माने स्थिर दृष्टि देखिंटू ता भितर एक अद्भुत जंतु ता भितर रही थार से देखुं। से अद्भुत जंतुटि किपरि ना दिशई पर्वत सदृश देखि चिन्हिले कृकलास। से जंतुटि एक पर्वत सदृश विराट आकार आकार धारण करछि बोली से माने देखुछन्ति। जेपरि भावरे एक पर्वत देखा जाए सेहिपरि भावरे कूप मध्यरे सेहि जंतुटि देखा जाउछि। तापर जेतेबेले निरीक्षै कि भल भावरे स्थिर दृष्टि देखिछन्ति तापर चिन्हिछन्ति ताहा होछि एक कृकलास। कृकलास कहिले ताहा होछि एक एंडुओ। विस्मिते एक आरे चाही बोलंती अंगुली देखाई दंडे विचारी जत्न करी बोलंती देखिबा उद्धरी। विस्मिते, विस्मिते कहिले आश्चर्य बा चमत्कार। जेतेबेले कूप मध्यरे पानी न देखिकि सेमाने पीबा आशारे जाइथिले कूप पाखकु, कूप पाखकु जेतेबेले कूप मध्यरे से पानी न देखि एक पर्वत सदृश पर्वत भळी एक जंतु देखिजंति से पुनी गोटे विराट एंडुओ सेमाने आश्चर्य होइ जाइछंति।
ତାପରେ ସେମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇକି କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଆସିଲା କିପରି, ତାକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏ କଥା ବିଚାର କରିକି ଏତେ ବିଚାରି ଦୟା ବହି ଲାଙ୍ଗୁଳେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମ ପାଶି ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷି। ନା ସେଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ସହାନୁଭୂତିର ସହ ଦୟା କହିଲେ, ସହାନୁଭୂତି ବା କରୁଣା, ସହାନୁଭୂତିର ସହ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଳରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇକି ତାକୁ ସେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି କଥାଟି କୃଷ୍ଣ କୁମାରମାନେ, କୃଷ୍ଣର ପୁତ୍ରମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମ ପାଶି, ତୃଣ ବକଳ, ତୃଣ କହିଲେ ଘାସ ବା ନଡ଼ା, ବକଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛେଲି ବା ଚୋପା, ଗଛର ଯେଉଁ ଛେଲି ଥାଏ ବା ଚୋପା ଥାଏ ତାକୁ ଆଣିକି ତା ସହିତ ଚର୍ମ ପାଶି, ଚର୍ମ ପାଶି କହିଲେ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଦଉଡ଼ି, ନିବିଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ବା ଗଭୀର, ଆକର୍ଷି କହିଲେ ଟାଣିବା, ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଦଉଡ଼ି ତା ସହିତ ଛେଲି, ଯେଉଁ ଗଛର ଛେଲି ରହିଛି ବା ଚୋପା ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଗାଢ଼ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ କୃକଲାସଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟାଣିକି କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବେ। ଟାଣନ୍ତି ଧରି ଜଣେ ଜଣ ନଚଳେ ତାହାର ଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇଛନ୍ତି କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ତା ଲାଙ୍ଗୁଳରେ, ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଲେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ସେଇ କୃକଲାସଟି ଟିକେ ହେଲେ ବି ହଲଚଲ ହେଉନି। ଦେଖି ଚକିତ କୃଷ୍ଣ ବାଳେ ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକାବେଳେ, ଚକିତ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଟାଣିଛନ୍ତି ସେ କୃକଲାସ, ପର୍ବତ ସଦୃଶ କୃକଲାସ ଜଣେ ଜଣେ ଟାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ହଲଚଲ ହେଇନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ମିଶିକି ଟାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୃକଲାସ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିନାହିଁ ବା ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏ କଥା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାପମୋଚନ କବିତାର କବି କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସାପମୋଚନ କବିତାର କବି କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ସାପମୋଚନ କବିତାର କବି କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସାପମୋଚନ କବିତା ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ସାପମୋଚନ କବିତା ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଶୁକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପରୀକ୍ଷିତ, ମୃଗରାଜ, ନନ୍ଦ। ଶୁକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୃକଲାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ। କୃକଲାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି କିପରି ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ପର୍ବତ ସଦୃଶ, ହାତୀ ସଦୃଶ, ଅଶ୍ୱ ସଦୃଶ। କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି ଏକ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।
जदि आपण माने आज आलोचना बुझिपारी ताहले निश्चय लाइक करूँ निज सांगसाथी सेयार करूँ एवं प्रत्येक दिन यही समय रे क्लास करा जिवो निज सांगसाथी जनातु जहाद्वारा से माने क्लास रे जोग दे पारिबे। आज आलोचनाटी जदि आपण मन को भल लगी ताहले निश्चय लाइक करूँ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।